हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये फाइनल अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स में सी सी स्टूडेंट्स को जो है फाइनल अकाउंट्स में से 22 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि 20 मार्क्स का एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता और एक जो है 2 मार्क्स का ट्रायल बैलेंस बनाओ बोल के। अपने को अगर फाइनल अकाउंट्स आ गया तो ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन में ही देख के बना ले सकते। स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स। पहली बात, फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं अपन? फाइनल अकाउंट्स अपन कोई भी कंपनी फाइनल अकाउंट्स इसलिए बनाती कंपनी का पोजीशन चेक करने के लिए। जैसे कि थोड़े कंपनीज रहते हैं जिसमें जो है सो प्रॉफिट आ रहा या लॉस आ रहा, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते या नहीं बढ़ा सकते, ये सब चीज़ चेक करने के लिए अपन क्या बनाते, फाइनल अकाउंट बनाते। और फाइनल अकाउंट कब बनाते अपन? ईयर के एंड में बनाते। ईयर के एंड में चेक करने के लिए बनाते कि अपने प्रॉफिट आ रहा या लॉस आ रहा बिजनेस में। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए अपने कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती? 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती। एक जो है सो ट्रेडिंग अकाउंट अपना, नेक्स्ट है सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक जो है सो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करते हैं अपन? अपने पास एसेट कितने हैं और जो है सो लायबिलिटीज कितने हैं चेक करते हैं अपन। क्या आता है इसमें? एसेट्स और लायबिलिटीज आता है इसमें। और यहाँ पर क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में अपन जो है सो क्या क्या स्टॉक है अपने पास, कितना बेचे और क्या खरीदे और क्या क्या बोलते हैं लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचे हुआ है अपने पास में, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ स्टॉक लाने के टाइम पे, ये सब कहाँ लिखते हैं अपन? फैक्ट्री के रिलेटेड या प्रोडक्शन के रिलेटेड रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं अपन? सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है भाई, पहले इसका डिटेल्स बता देते हैं, वो सब चीज़ हाँ ट्रेडिंग अकाउंट का सीखेंगे अपन। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते हैं अपन? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी ऑफिस या शॉप के रिलेटेड आते हैं खर्चे, वो किस में लिखते हैं अपन? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। खर्चे और जो है सो इनकम, इनडायरेक्ट इनकम आया सो वो सब अपन प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। बैलेंस शीट में अपने पास क्या एसेट है, कितना लायबिलिटीज है, साल भर में अपन को कितना नुकसान हुआ, ये सब चेक करना बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट और लायबिलिटीज में जो है सो अपने पास एसेट्स कितने बचे हुए और लायबिलिटीज कितने बचे हुए। लायबिलिटीज बोले तो उधार, एसेट बोले तो जो चीज़ से अपने को कल के दिन पैसा बन के आता उसको क्या बोल रहे अपन? एसेट बोल रहे। और भी डिटेल में समझाता हूँ मैं। पहले अपन किस में जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या उसमें वर्ड्स आते हैं अपने को, वर्ड्स के बारे में समझेंगे अपन। चलो अपन ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मेंस सीखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मेंस आना बोले तो पहले बॉक्स आना उसका अपने को। बॉक्स कैसा बनाते हैं अपन? टी शेप का बॉक्स बनाते हैं। टी शेप के बॉक्स में अपने पास एक पर्टिकुलर आया था, पर्टिकुलर अमाउंट और एक भी जो है सो अमाउंट। यहाँ पर जैसा लिखे अपना डेबिट साइड में, यहाँ पे डी आर, यहाँ पे जो है सो सी आर आपका, तो क्रेडिट साइड में भी सेम पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा टोटली किसके बारे में रहता? या तो फैक्ट्री बोल सकते हैं आप, या तो प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहाँ पर जो जो खर्चे आए, क्या स्टॉक था, सो चेक करते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्स्ट इसमें हमेशा क्या लिखते हैं अपन? टू ओपनिंग स्टॉक। फैक्ट्री में अपना ओपनिंग स्टॉक ओपन करते वक्त में कितना था, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक रहा तो अपने को क्या रहे, मॉर्निंग में अपन ओपनिंग स्टॉक चेक करें तो लास्ट में क्या चेक करते अपन? क्लोजिंग स्टॉक चेक करते। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखे तो अपन क्रेडिट साइड में क्या लिख लेते? बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है सो अपन चेक कर लेते। ओपनिंग स्टॉक भी डायरेक्टली लिख ले सकते अपन, क्लोजिंग स्टॉक भी डायरेक्टली सेकंड वाले अमाउंट में लिख ले सकते। जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट रहता अपन क्या करते, वो अमाउंट को फर्स्ट वाले बॉक्स में लिख लेते। नेक्स्ट वाला क्या लिखते अपन? टू परचेजेस। परचेज मॉर्निंग में मैं जो है सो 1000 का परचेज करा, उसमें से जो है सो 100 रुपीज़ का एक आइटम डिफेक्टिव निकला, तो रिटर्न तो करना पड़ता ना अपने को, उसीलिए क्या करते हैं परचेज के नीचे हमेशा रिटर्न माइनस हो जाता। अब 1000 का लिया मैं, 100 रुपीज़ का रिटर्न करा तो मैं टोटल कितना आता? 900 आता। उसीलिए अपन क्या करते पहले जो है सो फर्स्ट वाले अमाउंट में लिख लेते अपने को एडजस्टमेंट आया तो। कितना आया? एक्स एक्स एक्स, इसको लिख लेंगे, इसको भी वैसे ही लिख लेंगे, इन दोनों का माइनस करे तो जो भी वैल्यू आई वो यहाँ पर लिख लेते अपन। परचेज करे, परचेज किस लिए करते अपन? सेल करने के लिए करते ना,
उसीलिए यहाँ पर परचेजेस आया था, यहाँ पर क्या आया था ऑटोमेटिक सेल्स आ जाता, बाई सेल्स। कितना सेल्स में भी सेम रहता, कोई खरीद के लेके गया अपने पास से तो उसके उसको भी डिफेक्टिव आ सकता ना, चांसेस है ना, या तो उसे नहीं पसंद आ सकता वो आइटम। तो उसीलिए ये फर्स्ट वाला, इसमें भी अमाउंट पहले लिख लेते उसमें, माइनस रिटर्न कर ले रहे अपन। जो भी अपने को रिटर्न हुआ 1000 का लिए 100 का रिटर्न करा समझो, अमाउंट कितना होता अपना, सेल हुआ सो 900 होता। ये जो है सो परफॉर्म होता है इसका, ये मैंडेटरी लिखना अपना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, ये वाला आपका परफॉर्म होता है। उसके बाद में जो जो डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं अपने, वो जो है सो अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, जैसे कि वेजेस। वेजेस और सैलरीज में बहुत जनों को फर्क मालूम नहीं रहता, वेजेस बोले तो किसको बोलते हैं अपन, सैलरी बोले तो किसको बोलते हैं, वेजेस उसको बोलते हैं जो डेली का डेली पैसे देते हैं सो अपन। किसको देते हैं अपन डेली का डेली पैसे, लेबर्स को। लेबर्स कहाँ काम करते, फैक्ट्री में करते, 30 डेज में एक बार दिए सो चीज को क्या बोलते हैं अपन, सैलरी बोलते हैं। सैलरी सैलरी कहाँ देते हैं अपन, ऑफिस में ही देते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है ऑफिस का जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आया था। जो भी क्या बोलते हैं फैक्ट्री रिलेटेड आया, लेबर के रिलेटेड, लेबर है ना ये, लेबर किस में काम करता, फैक्ट्री में करता। फैक्ट्री रिलेटेड कहाँ आते बोला मैं, एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते आपको, वेजेस हो गया। अगर इसमें एडजस्टमेंट दिया वेजेस में तो अपन क्या करते हैं इसको भी फर्स्ट वाले बॉक्स में लिख लेते हैं, अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया उन्हें बॉक्स में तो डायरेक्टली अपन सेकंड वाले अमाउंट में लिख लेते हैं। वेजेस हो गया, वैसे ही जो है सो फैक्ट्री रेंट आ जाता आपका, टू फैक्ट्री रेंट। और एक चीज़ कैरेज, इसमें भी डाउट रहता बहुत सारे बच्चों को, कैरेज इनवर्ड्स किधर लिखना अपन, कैरेज आउटवर्ड्स किधर लिखना, बोल कैरेज इनवर्ड्स बोल के आता आप लोगों को एक नाम, या तो सिर्फ कैरेज आता या फिर कैरेज आउटवर्ड्स आता, ऐसा आया तो दोनों में भी कैरेज कैरेज है बोल के बच्चे कंफ्यूज आते। अगर कैरेज इनवर्ड्स आया तो ये कैरेज बोले तो पहली बात अपने को जो ट्रांसपोर्ट करते स्टॉक लाते समय पे ट्रांसपोर्ट लगता, वो ट्रांसपोर्ट को अपन क्या बोल रहे, कैरेज बोल रहे, कैरेज लेके आता ना ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल ले लो आप ट्रॉली या ऑटो या कोई गाड़ी ले लो आप, व्हीकल ले लो, उसका खर्चा अपने को, तो अपन जो है सो इनवर्ड्स हो रहा होने। इनवर्ड्स कब होता, कोई भी स्टॉक जब भी अपन अंदर ला रहे फैक्ट्री के अंदर लाए तो इनवर्ट्स होता, शॉप से बाहर जाता फैक्ट्री से अंदर आता हो, कोई भी अपन कुछ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे समझ जाओ, स्टॉक तो होना पड़ता ना, स्टॉक होना बोले तो कोई गाड़ी में ही लाते ना अपन वो स्टॉक लाने वाले को कैरेज बोल रहे। अगर अंदर आ रहा समझ जाओ, कहाँ पर अंदर आता हो, फैक्ट्री में ही आता ना, उसीलिए कैरेज इनवर्ट्स हमेशा कहाँ रहता आपका, फैक्ट्री में रहता, कैरेज इनवर्ट्स। कैरेज आउटवर्ड्स कहाँ रहता, अब शॉप पे समझ जाओ, शॉप में से ही माल जाता ना अपना, स्टॉक शॉप में से स्टॉक जाता तो कस्टमर लेके जाता वो स्टॉक, तो स्टॉक आउट हो रहा ना अपना, आउट कहाँ से होता, शॉप में से होता, तो ये कहाँ आता, कोई भी शॉप या ऑफिस के रिलेटेड रहा तो कहाँ आता बोला मैं, ऑफिस में आ जाता। तो अपने आ गया कैरेज इनवर्ड्स आ गया, फैक्ट्री रेंट आ गया, और क्या आता कस्टम ड्यूटी बोल के बोलते, टू कस्टम ड्यूटी रहता। और क्या रहता, फैक्ट्री रेंट आ गया आपका, वेजेस आ गया, कैरेज इनवर्ट्स आ गया, कस्टम ड्यूटी, मोस्टली यही नेम्स रिपीटेड होते हैं आपको, या तो उन्हें फैक्ट्री के रिलेटेड यही नए नेम्स देता, कोई भी ऊपर नीचे दिया तो अपन नए क्वेश्चंस करते ना उसमें, कोई नए नेम्स आ गए तो अपन चेक करेंगे। अब क्या करते हैं अपन इसका अमाउंट लिख लेंगे, इसका फैक्ट्री रेंट और जो है सो कैरेज इनवर्ट्स और जो है सो कस्टम ड्यूटी, ये अमाउंट और ये अमाउंट टोटल करना अपन। अगर ये अमाउंट ज़्यादा आ गया, ये अमाउंट कम आ गया समझ जाओ, इतने की खरीदारी करा मैं, 500 का खरीदा मैं, टोटल मेरा 500 का था, मेरे कितना आया अमाउंट बेचे तो 750 आया, तो मेरे 250 का प्रॉफिट हो गया, 500 का लिया मैं 750 में आ गया मेरे को, तो 250 का प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ का अमाउंट कम इधर का अमाउंट ज़्यादा आया तो क्या बोलते अपन, प्रॉफिट आया। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ फिर भी समझ में नहीं आता। अब मैं जो है सो मॉर्निंग में 500 रुपीज़ का कोई चीज़ लिया, लेके उसको बेचना स्टार्ट करा, रात में जब बेच दिया मैं पूरा स्टॉक गिन लिया सब चेक कर लिया, तो मेरे कितना अमाउंट आया, 750 आया, तो 500 से मेरे 750 आ गया, तो 250 का प्रॉफिट आ गया। जब कभी भी अपने को प्रॉफिट आया दो अमाउंट्स भी सेम लिख लेना अपन, यहाँ पे 500 यहाँ पर 750 नहीं लिखना अपन, जितना अमाउंट उधर आया उतना अमाउंट इधर लिख लेना। इधर टोटल करें तो 500 हो रहा था ना, कितना मिलाना पड़ रहा, 250 मिलाना पड़ रहा, ये 250 जो मिला रहे अपन उसको क्या बोल रहे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट दोनों साइड सेम लिख लिया मैं, लेकिन यहाँ पर 250 मिला रहे बोल के उसको क्या बोला मैं, प्रॉफिट आ रहा है अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको भी एक्स 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 लिख लेंगे, यहाँ पर भी एक्स एक्स एक्स, यहाँ पर भी
लिख लिया मैं क्रॉस 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 या तो एक्स एक्स एक्स। अगर ये बढ़ के आया तो, अगर यहाँ का अमाउंट ज़्यादा आ गया मेरे को और यहाँ का कम आ गया तो जब क्या होता? 750 का स्टॉक लाया मैं, बेचा, बेचे तो नहीं बिक रहा था, वो कम में करके बेच दिया मैं, बेच दिया, फाइनली मेरे कितना अमाउंट आया? 500 आया। आफ्टर ऑल्सो बेचने के बाद में कितना अमाउंट आया? 500 आया। तो ख़रीदने से बेचने का अमाउंट कम आया तो क्या हो जाता, अपने लॉस हो जाता ना। 500 रुपये का कुछ चीज़ खरीद के 750 का मॉर्निंग में मैं स्टॉक ला लिया था, रात में बेचे तक मेरे कितने रुपए बन गए उसके? 500। कितने का लॉस आ गया यहाँ पे? अब 250 का लॉस आ गया। फिर भी अपन क्या करते हैं, अमाउंट दो जगह भी सेम लिख लेते हैं, 750 750, जो भी बड़ा अमाउंट है वो दो भी एक साइड लिख लेते, यहाँ पर भी वही अमाउंट, यहाँ पर भी एक अमाउंट लिखते अपन। यहाँ पर क्या आता अब इसमें, कितने की कमी आ रही थी? 250 की। अगर इधर का अमाउंट ज़्यादा आ गया और इधर का अमाउंट कम आ गया समझ लो, जब क्या होता अपने को? लॉस होता, क्योंकि मैं 750 का स्टॉक लाया था, वो कितने में बिक गया? 500 में ही बिक गया, तो 250 का लॉस आया। जब भी लॉस आता अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? बाई ग्रॉस लॉस, लॉस लिख लेंगे, जो अमाउंट है वही लिख लेते। और एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जितना अमाउंट आया यहाँ पर भी उतना ही अमाउंट लिखते अपन, क्योंकि यहाँ पे 250 मिला दिया, ये टोटल कितना हुआ था? 500 हुआ था, 250 का लॉस आया बल्कि मिला दिया ना हमें, कितना हो गया? 750 हो रहा ना, उसीलिए अपन 750 750 लिख लेते दोनों साइड में भी। तो यहाँ पर भी अपन क्रॉस 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 लिख लेंगे अपने को। ये होता आपका परफॉर्मा, किसका होता? ट्रेडिंग अकाउंट का होता, ट्रेडिंग अकाउंट का आ गया परफॉर्मा। वैसे ही सेम टू सेम किसका परफॉर्मा रहता अपने को? प्रॉफिट एंड लॉस का होता। इसमें भी सेम पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो पी ए पा ऐसा भी याद रख लिया तो अपना हो जाता आप लोगों को। टी बॉक्स डालना, उसमें क्या लिखना? पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। इसमें क्या रहता, अगर वहाँ पे अपने को प्रॉफिट आया समझ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट आया तो ये साइड लिखे थे अपन, यहाँ पे नीचे ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट, ये साइड आके वो क्या हो जाता, यहाँ पे आता बाई ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आया इसमें ऐड हो जाता हो। अगर लॉस आया, लॉस आया तो ये साइड लिख लेते अपन, टू ग्रॉस लॉस, कितना आया वो अमाउंट यहाँ पर लिख लेते हैं आप डायरेक्टली, डायरेक्टली लिख लेके ऐड कर लेते जाते। ये तो था अपना उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट आया तो और लॉस आया तो चेक करने का। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में जो है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते, इनडायरेक्ट इनकम आते। अपने को पहले इनडायरेक्ट इनकम सीख लेंगे अपन। पहले क्या रहता इनडायरेक्ट इनकम? कमीशन आता कभी कभी, अपन कोई चीज़ की डील करे समझ जाओ, कमीशन आता छोटा मोटा, वो कमीशन रिसीव्ड बोल के देता उन्हें क्वेश्चन में, या तो कमीशन देता आपको, वो किधर आया था अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आता, कमीशन रिसीव्ड इनकम ही होता ना, कमीशन आना बोले तो पैसे आ रहे ना अपने को। और एक चीज़ डिस्काउंट, डिस्काउंट भी अपन को आया तो रिसीव्ड करे तो, रिसीव्ड करे तो इनकम ही आ रहा ना। 500 रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये कम हो गए तो 100 रुपये का फ़ायदा ही हुआ, इनकम ही बना, वो कहाँ जाता अपने को? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, मोस्टली यही आता, या तो और एक नाम क्या आता, इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव्ड 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 दिखा समझो आप, ये साइड ही लिख लो। अगर कमीशन भी दिखा ये साइड ही लिख लो। अब बचा अपना एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो है सो डेबिट साइड में लिखते हैं अपन, इनकम जो है सो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एक्सपेंसेस चेक करेंगे, एक जो है सो ऑफिस एक्सपेंस बोल के आता आपको, टू ऑफ, इसके सामने भी बाई लगा लेना अपन, बाई बाई बाई, यहाँ पर क्या लगा लेते, ऑफिस एक्सपेंस आता है एक, और एक जो है सो मैं ऑलरेडी डिफरेंसेस बताया आपको, वेजेस और सैलरीज, सैलरीज कहाँ देते बोला मैं, ऑफिस में, तो यहाँ पर ऑफिस का एक्सपेंस ही हो गया ना सैलरीज भी, टू सैलरीज। और एक क्या आया, और एक क्या बताया मैं, कैरेज आउटवर्ड्स, और क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, पोस्टेज के चार्जेस भी अपन किसमें लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखते हैं आप लोग। और क्या हो सकता है, रेंट, अगर फैक्ट्री रेंट दिया तो ये अपन कहाँ लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, नहीं तो खाली रेंट दिया तो नहीं अपन यहाँ पे लिख लेते, टू रेंट। यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड लिखे, यहाँ पर अपन दिए तो डिस्काउंट अलाउड बोलते उसको, वो किधर आया था, डेबिट साइड में आता। और थोड़े नेम्स रहते हैं, अपन जैसा जैसा प्रॉब्लम्स करते रहते वो नेम्स आए थे, अपन जो है वो यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आ गया, अगर इसमें एडजस्टमेंट दिया तो अपन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वो आगे बताता हूँ मैं, पहले तो ये लिख लेंगे। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया तो डायरेक्टली अमाउंट कहाँ चले आता, बाहर चले आता।
आ गया। उसके बाद फिर से टोटल कर लेते हैं अपन दोनों का। कर लिए, याद रखो दो भी एक साथ नहीं आता, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस नहीं आता। अगर प्रॉफिट आया तो ग्रॉस लॉस नहीं आता, लॉस आया तो प्रॉफिट नहीं आता। अब टोटल चेक करेंगे, अगर इधर का टोटल फिर से इधर का टोटल दोनों सेम लिखते, एक एग्जांपल ले लेके देख लेंगे ना। यहाँ का टोटल अगर 500 आया मेरे, फिर से यहाँ का टोटल 750 आया समझ लो। तो 500 का स्टॉक था और खर्चे सब निकाल लिए बाद में से, मेरे कितना बचे 500 रुपीज़ हुआ टोटल खर्चा, उसमें से कितने बचे मेरे को 750 रुपीज़ बने। 500 लिया था मैं, लगाया था बिजनेस में, 750 आया तो 250 का प्रॉफिट आया मेरे को। आफ्टर ऑल पूरे खर्चे निकाले बाद में से ये क्या हो गया, मेरे प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया ना, कितने का प्रॉफिट आया यहाँ पे 250 का आया। तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट। ये किसको चले आता, कैपिटल को चले आता अपना, ट्रांसफर टू कैपिटल। अगर प्रॉफिट आया तो आपको यहाँ पर भी अपन ऐसे ही लिख लेंगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहाँ पर भी सेम क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ये था प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट अपना किस में चले आता, कैपिटल। अपना बिजनेस में मैं 50,000 लगाया समझ जाओ, उसमें से मेरे 250 का प्रॉफिट आ गया तो कितना हो जाता मेरा टोटल, 50,250 बन जाता ना। अगर वही लॉस आया तो यहाँ का अमाउंट ज़्यादा आ गया, यहाँ का अमाउंट कम आ गया समझ जाओ। जब क्या होता, अपने 250 का लॉस आया, 250 का लॉस आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, टू नेट प्रो लॉस ट्रांसफर टू, यहाँ बाई आता, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। क्या हो जाता, 5,000 का मैं बिजनेस लगाया, उसमें से 250 का लॉस आया, माइनस होता यहाँ पर प्लस होता, लॉस आया तो पैसे कम हो जाते ना अपने। पैसे कम हो गए तो क्या होता, मेरा 4,750 हो जाता अमाउंट, 5,000 लगाया तो मैं। ये क्या होता, जाके अगर लॉस आया तो माइनस हो जाता कैपिटल में से, अगर क्या बोलते प्रॉफिट आया तो प्लस हो जाता कैपिटल में। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे भी अपन सेम वैसे ही कर लेंगे, परफॉर्मा है बोल के। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा, और बहुत सारे नाम आते जो जो याद है मैं वो लिख दिया। नेक्स्ट जैसा जैसा क्वेश्चंस करते हैं अपन, नेम्स आएंगे वो नेम्स मैं लिखाते जाऊंगा। जैसे कि अपन क्या देखे अब तक, ट्रेडिंग अकाउंट देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया, अब लास्ट वन क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अपने क्या दिखा था, एसेट कितने हैं अपने पास और लाइबिलिटीज कितना है। थोड़े बच्चों को जो है सो एसेट भी नहीं मालूम रहता, बैलेंस शीट भी नहीं मालूम रहता, इंटर फर्स्ट ईयर में रहते लेकिन लास्ट फाइनल एग्जाम्स तक वो लोग को नहीं मालूम रहता कि एसेट किसको बोलते हैं अपन, लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं। इसलिए मैं पहले एसेट क्या है लाइबिलिटीज क्या है बताता हूँ आप लोग को। एसेट उसको बोलते हैं अपन जिस चीज को कल के दिन अपन बेचे समझ जाओ उससे पैसा है। ये मार्कर है अपना, ये मार्कर क्या है मेरा, एक एसेट है। ये 10 रुपये में खरीदा मैं, अगर बेचने गया समझ जाओ इसको OLX पे डाले तो मेरे 7 रुपये आते, इसके आते ना 7 रुपीज तक। ये जो चीज मैं कल के दिन बेच सकता हूँ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एसेट बोल रहे हैं। किसी के पास से उधारी लिया समझ जाओ हमें, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लाइबिलिटीज बोल रहे हैं। लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, जिसके पास से उधारी लेते हैं अपन उसको लाइबिलिटीज बोलते हैं। एसेट कल के दिन अपने को पैसा आता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एसेट्स बोल रहे हैं, लाइबिलिटीज। इतना याद रखे तो बस है, एसेट बोले तो पैसा बन के आता अपने को, लाइबिलिटीज बोले तो उधार क्या क्या है। सो इसमें अपने को इसका एक छोटा परफॉर्मर रहता है टी बॉक्स, इसमें भी सेम अमाउंट 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 अमाउंट, आपकी मर्जी है। दो अमाउंट लिखना चाह रहे तो दो अमाउंट लिखो, या तो एक अमाउंट लिखना चाह रहे एक अमाउंट लिख ले सकते, आपको ही कंफ्यूजन होता बल्कि मैं क्या करा, दो अमाउंट इजी हो जाता आपके लिए, कैलकुलेशंस भी इजी हो जाते हैं। अमाउंट क्या है अपने पास, लाइबिलिटीज में क्या है चेक करेंगे अपन एसेट में। इससे पहले ये मेन चीज याद रख लो कि हमेशा टू कैपिटल आता आपके पास, उसके नीचे क्या आया था, ड्राइंग्स। अगर कुछ निकाल लिए समझ जाओ बिजनेस में से, मेरे को 1,000 रुपये की कमी पड़ रही थी तो मैं बिजनेस में से वो 1,000 रुपीज़ ले लिया, तो उसको क्या बोल रहे अपन, ड्राइंग्स। अमाउंट ही बोल के नहीं, अपन कोई सामान भी बिजनेस में से निकाले तो ड्राइंग्स के अंदर ही आया था, ड्राइंग्स। और क्या है, अगर प्रॉफिट आया समझ जाओ आपको, वो क्या होता कैपिटल में ऐड हो जाता, वहाँ पर लिखे थे ना अपन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल बोल के, वही होता। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस हो जाता, अगर लॉस हुआ तो माइनस हो जाता, प्रॉफिट के अंदर से कैपिटल के अंदर से माइनस हो जाता। हो गया, ये था अपना परफॉर्म। इतनी चीज़ें याद रहना मैंडेटरी है ये चीज़ें। अगर अब उसके बाद में अपने लाइबिलिटीज के अंदर क्या आते चेक करेंगे, लाइबिलिटीज के अंदर आता क्रेडिटर्स बोल के देता उन्हें, डेप्टर्स बोल के देता, वो क्या है चेक करेंगे अपन,
डेबिट डेप्टर्स और एक क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं मालूम कर लेंगे पहले। डेप्टर्स उसको बोलते हैं जो पैसे देने वाला। अब मैं 10,000 मेरे एक फ्रेंड को बिजनेस में से निकाल के दे रहा हूँ, उसको दिया ना मैं पैसे, उसको क्या बोल रहा हूँ डेप्टर्स, जो कल के दिन उन्हें रिटर्न कर सकता अपने को। क्रेडिटर्स मैं जो है सो उधार लेता हूँ, मैं बिजनेस में पैसों की कमी पड़ी तो क्या कर रहा हूँ मैं 10,000 रुपये किसी के पास से उधार ले रहा हूँ, वो क्या हो गया क्रेडिटर्स हो गया। डेप्टर्स जो है सो अपन दे रहे पैसे बिजनेस में से हो गया। अगर मैं अपने फ्रेंड को दिया है 10,000 रुपीस, उन्हें क्या करा मेरे को 9,000 रुपीस ही रिटर्न दिया, तो 1,000 रुपीस नहीं दिया उन्हें, पैसे डूब गए मेरे 1,000, उसको क्या बोलते हैं अपन बैड डेप्स बोलते हैं। बैड डेप्स हमेशा जो है सो एडजस्टमेंट में आपको बैड डेप्स आया तो किस में से माइनस होता, डेप्टर्स में से माइनस होता। आ गया डेप्टर्स क्या हो गया अपना एसेट हो गया, कल के दिन पैसे आ रहे ना अपन दे रहे सो पैसे, यहाँ पे क्या आ गया क्रेडिटर्स बन गया आपका। और एक चीज लैंड, लैंड भी अपना कल के दिन बेचे तो पैसे आते ना, लैंड भी आपका क्या हो गया एसेट हो गया। वैसे ही उसके साथ साथ बिल्डिंग भी एसेट हो गई अपनी, वैसे ही कैश पैसे रखे हुए हैं, कोई चीज भी होना बोले तो आ जाता ना, वो चीज के लिए पैसा यूज कर ले सकते ना अपन, वो क्या हो गया एसेट ही बन गया आपका। वैसे ही इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्ट करा समझो उसके ही पैसे बन के आते अपने को इन्वेस्टमेंट। मेन चीज गुडविल, गुडविल बोले तो ये बच्चों को मालूम नहीं रहता है क्या है गुडविल बोल के सोच लेते रहते। गुडविल इसको बोलते ब्रांड के नेम को बोलते अपन गुडविल। लेट से एग्जाम्पल क्या लेंगे अपन, एक होटल का एग्जाम्पल ले लेंगे। एक फेमस होटल है, फेमस होटल बावर्ची, यहाँ पे हैदराबाद में सबसे ज्यादा चलती सो बावर्ची या पिस्ता हाउस, ये सब शाह हाउस, ये सब होटल्स चलते ना यहाँ पे हैदराबाद में। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक नॉर्मल होटल चला रहा हूँ मेरे, और एक एक बावर्ची होटल है समझ लो। नॉर्मल होटल में मैं कितना हर मैं दिन के 10,000 रुपये कमा रहा था। मैं जैसे मैं नॉर्मल होटल का नाम हटा के बावर्ची नाम लगा लिया समझो, ब्रांड का नेम बावर्ची लगा दिया, तो मेरा बिजनेस 10,000 से जाके मेरा बिजनेस 2,000 रुपये बढ़ गया, क्योंकि बावर्ची, बावर्ची में बिरयानी अच्छी रहती बोल के सब जने क्या करते बावर्ची को आने की कोशिश करते, तो 2,000 रुपये का मुनाफा आ गया। ये 2,000 का प्रॉफिट को क्या बोल रहे अपन गुडविल बोल रहे, ये कभी भी रह सकता ना अपने साथ में, तो ये क्या है अपना एसेट होता गुडविल। और एक क्या रहता क्लोजिंग स्टॉक, ऑलरेडी लिखे है आप लोग, फिर से अपन क्या करते हैं यहाँ पे एसेट में फिर से क्लोजिंग स्टॉक लिखते, क्यों लिखते क्लोजिंग स्टॉक, एसेट कैसा बन गया क्लोजिंग स्टॉक। अब जो है सो मैं 10,000 का स्टॉक लाया, 10,000 में से मैं 5,000 का स्टॉक बेच दिया, अब बचे हुआ कितना है मेरे पास 5,000 है, 5,000 अपन लेके जाके फेंक तो नहीं देते ना, नेक्स्ट डे यूज कर लेते, तो एसेट ही होता ना, उससे ही पैसा बन के आता ना मेरे को, उसीलिए अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते। वैसे ही आपका मशीनरी आ गया एसेट के अंदर, फर्नीचर आ गया, ये मशीनरी और फर्नीचर को क्या देता उन्हें एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन बोल के देता। पहले डिप्रिसिएशन क्या है मालूम कर लेंगे, एक एग्जाम्पल लेके मैं डिप्रिसिएशन बताता हूँ आपको। मैं जो है सो एक फ़ोन लिया, 10,000 का फ़ोन ख़रीदा, और एक साल के बाद शॉपकीपर क्या बोला मेरे को, अगर आप एक साल के बाद बेचे समझ जाओ मैं उसको 10% कम करके देता हूँ, 10% कम करके देता हूँ बोल के बोलता हूँ उन्हें। 10,000 का 10% निकाले तो अपन ये परसेंटेज कैसा निकालते उसके साथ साथ भी सीख लेंगे ना। 10,000 का उन्हें कितने बोला 10%, 10 पर ये 100 को क्या बोलते हैं अपन सेंट बोलते। 10,000 का मैं 10% निकाला तो कितना हो गया मेरे फ़ोन की वैल्यू, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 1,000 रुपये कम हो जा रही है। 10,000 से 1,000 रुपये निकाल दिए तो 10,000 के फ़ोन की वैल्यू एक साल के बाद में कितनी हो रही मेरी 9,000 हो रही। इसको क्या बोल रहे अपन, ये 1,000 रुपये कम होने क्या बोल रहे अपन डिप्रिसिएशन बोल रहे। ये मोस्टली आपको डिप्रिसिएशन किस में लगता, फर्नीचर मशीनरी ये चीज़ों में ही रहता आपको। आ गया ये क्या है आपके थोड़े एसेट्स के नेम्स है आपके, और एक क्या है यहाँ पे क्रेडिटर्स, एक तो बोल दिया मैं लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स, और क्या आता आपको लोन आता आपका, लोन भी क्या है आपका लायबिलिटीज होता, और क्या आ सकता अपने को और नेम्स कुछ भी आ सकते, नेम्स और ज़्यादा रहते हैं इसमें क्या बोलते हैं लायबिलिटीज के अंदर। मैं दो ही नेम्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़े नेम्स यूज़ करा, अगर एडजस्टमेंट नहीं आया तो अमाउंट डायरेक्टली अपन बाहर लिख ले सकते हैं, अगर एडजस्टमेंट आया तो यहाँ पर लिखना, क्योंकि माइनस करने का रहता ना। मशीनरी फर्नीचर ये सब क्या है, और उन्हें कैश इन हैंड देता कभी वक्त, कैश एट बैंक देता, वो भी बैंक में रहा तो भी वो भी एसेट ही है ना मेरे पास, एसेट ही होता ना, एसेट हो जाता आपका।
क्रेडिटर्स लोन ये सर जो है सो ये वाले एसेट्स होते हैं। अब इधर टोटल हमेशा याद रखो बैलेंस शीट का दोनों साइड भी टोटल क्या रहना सेम रहना, जब भी आपका आंसर करेक्ट रहता। अगर यहाँ पर 500 आया यहाँ पर 750 आया तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे क्वेश्चन में, ये दोनों भी सेम रहना अपना, 500 इधर आया तो 500 उधर आता। जब भी आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ था आपका आंसर कंप्लीट हुआ था और 20 मार्क्स आए थे आपके आंसर के। इजी है अगर एक दो बार कर लिए आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कर लिए बोले तो आपको 20 मार्क्स किधर भी नहीं आते। यहाँ पे दोनों साइड भी सेम अमाउंट लिख लीजिएगा लिख लिए। यहाँ पर क्या है कैपिटल, हमेशा कैपिटल यहाँ पर लिखना फर्स्ट वाले बॉक्स में। अगर ड्राइंग्स रहा समझ जाओ तो यहाँ लिख लेते फिर से कैपिटल में से माइनस होता ड्राइंग्स, अगर नेट प्रॉफिट आया प्लस होता वो भी, ये सब चीज़ें कैपिटल में ही लिखते। या तो नेट प्रॉफिट आ सकता या तो नेट लॉस आया तो माइनस कर लेना, ये सब टोटल करे बाद में सबने जो अमाउंट आया जब जो है सब बाहर लिखते। वैसे ही यहाँ पे क्रेडिटर्स हो गया आपका और एक लोन हो गया। और एक लास्ट चीज़ समझा देता हूँ मैं, एडजस्टमेंट में आता सो प्रीपेड आता आउटस्टैंडिंग आता बार बार देखते होंगे आप लोग। एक नाम आता प्रीपेड बोलकर आता आपको और एक क्या आता आउटस्टैंडिंग बोल के आता। प्रीपेड क्या है आउटस्टैंडिंग क्या है समझेंगे अपन। प्रीपेड अपन उस चीज को बोलते हैं जिसके पैसे अपन पहले से पे कर दिए। अब मैं जो है सो एक लेबर की जो है सो 1000 रुपीज देने का रहता उसको, मैं क्या कर दिया उसको 1200 रुपीज दे दिया, तो 200 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया उसको, 200 एक्स्ट्रा बोले तो नेक्स्ट ईयर में काम में आते हो 200 रुपीज, एसेट बन गया ना वो पैसे अपने रखे हुए ऐसे पैसे क्या हो गए एसेट हो गए। तो अपना प्रीपेड भी हमेशा किधर आता एसेट में ही आता। कितना अमाउंट 1000 देने का था मैं 1200 दे दिया 200 रुपीज दिया एसेट बन गया मेरा प्रीपेड कितना है 200, सिर्फ 200 लिखना, ये 1200 पूरा नहीं लिख देना अपन। नेक्स्ट क्या है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग उल्टा है इसका। अगर 1000 रुपीज देने का है समझ जाओ मैं उसको कितना दिया 800 ही दिया तो 200 रुपीज़ क्या हो गए मेरे 200 बकाया हो गया उसका, नहीं 1000 देने का था एक एम्प्लॉय को मैं कितना दिया उसको 800 ही दिया तो 200 रुपीज़ कम दे दिया ना मैं उसको, वो 200 नेक्स्ट ईयर में देने का रहता ना एक खर्चा ही हो गया ना वो भी अपने को, वो क्या आ जाता हमेशा लाइबिलिटीज के अंदर आता आपके आउटस्टैंडिंग सैलरीज आता वेजेस आता कुछ भी आता आउटस्टैंडिंग लिखेंगे अपन बस। ये भी जो है सो अमाउंट कितना अमाउंट करे अपन 1000 में से 800 रुपये दिए तो 200 रुपये ही अपने मिट्टी वो क्या बोलते खर्चा हो जा रहा ना, वो सिर्फ 200 रुपीज़ ही लिखना। हमेशा जो है सो आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं अपन और जो है सो प्रीपेड क्या करते हैं माइनस करते हैं अमाउंट में से। ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट।